हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को महंत प्यारे लाल की हत्या के अपराध में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? आपके ऑप्शन ए प्रताप सिंह बारट, बी विजय सिंह पथिक, सी जोरावर सिंह बारट, डी केसर सिंह बारट। तो इसका सही आंसर है डी केसर सिंह बारट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी घटनाएं सही सुमेलित नहीं हैं? आपके ऑप्शन ए मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1918, बी नीमूचाना कांड 1925, सी चंडावल कांड 1942, डी डाबरा कांड 1947। तो इसका सही आंसर है ए मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1918। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913 में हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से किस जागीरदार ने 1903 में चवरी कर लगाया था? आपके ऑप्शन ए राम मोहन सिंह, बी राव कृष्ण सिंह, सी राव भूप सिंह, डी राव पृथ्वी सिंह। तो इसका सही आंसर है बी राव कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रांतिकारी महिला ने बिजोलिया किसान आंदोलन, 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन ए कमला देवी, बी रमा देवी, सी गोमती देवी, डी गायत्री देवी। तो इसका सही आंसर है बी रमा देवी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन ए केसरी सिंह बारट, बी नैनू राम शर्मा, सी माणिक्यलाल वर्मा, डी साधु सीताराम। तो इसका सही आंसर है ए केसरी सिंह बारट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आपके ऑप्शन ए जयपुर, बी नीमच, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर है ए जयपुर। अगला सवाल है, राजस्थान की किस छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? आपके ऑप्शन ए नसीराबाद छावनी, बी नीमच छावनी, सी एरनपुरा छावनी, डी खेरवाड़ा छावनी। तो इसका सही आंसर है सी एरिनपुरा छावनी। अगला सवाल है, त्याग भूमि पत्र के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, बी हरिबाऊ उपाध्याय, सी साधु सीताराम, डी जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर है बी हरिबाऊ उपाध्याय। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में कुछ संस्थाएं दी हैं और जबकि सूची दो में इनकी स्थापना वर्ष दिए हैं। सूची एक में ए अखिल भारतीय देसी संघ, बी चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, सी देश हितेशी सभा, डी राजस्थान सेवा संघ। और सूची दो में 1877, 1921, 1919 और 1927 स्थापना वर्ष दिए हैं। तो इस सवाल में ऑप्शन 3 नंबर सही है, यानी अखिल भारतीय देसी संघ की स्थापना 1927 में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में, देश हितेशी सभा की स्थापना 1800 और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम राजस्थान के राज परिवारों के लिए अलग शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया था? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिकाले, डी वाल्टर। तो इसका सही आंसर है डी वाल्टर। अगला सवाल है, समाचार पत्र मजहरूल सरूर कब और कहाँ से प्रकाशित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जयपुर 1870, बी बीकानेर 1906, सी भरतपुर 1849, डी जोधपुर 1837। तो इसका सही आंसर है सी भरतपुर 1849। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए रूप सिंह, बी भूप सिंह, सी राणा सिंह, डी जय सिंह। तो इसका सही आंसर है बी भूप सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बागड़ का गांधी कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए भोगीलाल पांड्या, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी जमनालाल बजाज, डी जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर है ए भोगीलाल पांड्या। अगला सवाल है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? आपके ऑप्शन ए झुंझुनू, बी सीकर, सी रिंगस, डी नागौर। तो इसका सही आंसर है ए झुंझुनू। अगला सवाल है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किस व्यक्ति से था? आपके ऑप्शन ए
विजय सिंह पथिक, बी रामनारायण शर्मा, सी मोतीलाल तेजावत, डी माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है सी मोतीलाल तेजावत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक, बी बेंगू किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी, सी बूंदी किसान आंदोलन के नेता नैनूराम चौधरी, डी बीकानेर किसान आंदोलन के नेता भगत राम चौधरी। तो इसका सही आंसर है डी बीकानेर किसान आंदोलन के नेता भगत राम चौधरी। तो इस सवाल में ऑप्शन ए बी और सी सही है जबकि डी गलत है। अगला सवाल है, बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लासोडिया आंदोलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए गोविंद गिरी, बी सुखमल दास, सी मोतीलाल तेजावत, डी गोकुल भाई भट्ट। तो इसका सही आंसर है बी सुखमल दास। अगला सवाल है, निम्न में से किसने 1920 के दशक में ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? आपके ऑप्शन है ए रामनारायण चौधरी, बी हरिभाऊ उपाध्याय, सी ऋषिदत्त मेहता, डी साधु सीताराम। तो इसका सही आंसर है सी ऋषिदत्त मेहता। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, बी महाराणा फतेह सिंह, सी महाराजा मान सिंह, डी महाराजा हनुमंत सिंह। तो इसका सही आंसर है ए महाराजा गंगा सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हीरालाल शास्त्री, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी जयनारायण व्यास, डी जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर है सी जयनारायण व्यास। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।